भगवान तो मैंने बोला ना, ऐसा ही मेरा विश्वास हो गया कि उसी दिन से जे हरि सर्वत्र है, जले च अनिले पर्वते वायु मध्ये, जहाँ पर जहाँ भी तुम हरि को ठीक से सोचो तो वो सुनते है। तो पर पिताजी ने क्या रिएक्शन दिया? नहीं, मेरा पिताजी कुछ रिएक्शन नहीं दिया। बोलो, उनको पहले तो पता नहीं था, पता नहीं था, मगर जिनको जब उनको पता चला वो खुश हुए मुझे हेल्प किए। तो मेरा जो फोर्थ ईयर था, मुझे जो हॉस्टल का फीस वो हमेशा देते थे। सो उसी दिन से मेरा दुख का और एक फेज शुरू हुआ, क्योंकि मुझे वो हेल्प करने के लिए कोई नहीं था। अब मुझे अच्छा नहीं लगता था किसके घर जाके ट्यूशन करो, किसको, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं, पसंद नहीं था। तो उसी दिन से कभी खाना मिलता था तो कभी नहीं था, कभी कभी एक दिन खाने से एक बार खाते थे, कभी कभी बिल्कुल खाना भी नहीं था। तो ऐसे जैसे कि स्ट्रिक्ट बॉय होते हैं ना, तो मेरा जिंदगी ऐसा हो गया, बहुत दुख हो गया मेरा। इवन कि मेरे लिए पहनने के लिए पैंट नहीं था, शर्ट भी नहीं था, तो ठीक डांस कॉस्ट्यूम भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। जैसे कि एक स्ट्रिक्ट बॉय होता है ना, मेरा लाइफ ऐसा हो गया। तो मेरा एक जूनियर ब्रदर है, उनका नाम मनोरंजन प्रधान है, उनका घर से जो चावल चूड़ा जो आता था, तो हम लोग दोनों साथ में वो बांट के खाते थे, तो उसी से हमारा गुजारा मिलता था। तो इसीलिए ऐसा ही मेरा जिंदगी। संगीत महाविद्यालय में गुरु पंकजचरण दास, गुरु देव प्रसाद दास, विद्युतलता चौधरी, ये सब मेरे टीचर थे, मगर उनसे मैं कुछ नहीं सीखा। मैं तो अपने आप को बहुत लक्की समझता हूँ कि मैं जो गुरु लोग के साथ काम किया, मैं बहुत लक्की हूँ, क्योंकि मुझे पहले गुरु गंगाधर, पद्मश्री गुरु गंगाधर मिल गए, ये एक अच्छा गाइड थे। तो बाद में पद्मश्री संजुता पाणिग्रह मिल गए, तो फिर मैं ओडिसी रिसर्च सेंटर में ज्वाइन कर लिया। तो उस वहाँ पर कुंकुमा आती थे, प्लस पद्म विभूषण गुरु केलचरण महापात्र थे। मैं तो बहुत ही लकी था कि इतना अच्छे अच्छे गुरु, मेरा सानिध्य मिला, मुझे सानिध्य मिला। मैं तो एक्चुअली आई एम वेरी फॉर्चुनेट, वन वे आज वे वेरी नेग्लेक्टेड एंड लाइक स्ट्रीट बॉय, बट नो फूड, नो क्लॉथ्स, नथिंग एल्स, बट हाँ, डांस का शिक्षा बहुत अच्छे गुरु से हुआ। तो इसीलिए मैं तो गुरु के पास हमेशा आभारी हूँ। तो मैं इतना लकी हूँ कि मुझे इतना अच्छे अच्छे गुरु मिल गए, जो कि वो जो गोटीपुर गुरु थे ना, बीरबर साहु, वो गंगा सर भी गोटीपुर डांसर थे। अच्छा। वो बीरबर साहु लाके मुझे गंगा सर से इंट्रोड्यूस मिलवाया, तो फिर मैं उनका ओडिशा डांस अकेडमी में मैं रुक गया। अच्छा। तो वहाँ ही मैं रुकता था। अच्छा। पहले मैं एक आश्रम में था, फिर बाद में मैं ओडिशा डांस अकेडमी में चला। मैं टीचर था, फिर प्रिंसिपल भी था बहुत। हाँ। तो गंगा सर से आपने
टेल अस अबाउट योर एक्सपीरियंस विद गंगा सर, वो एज अ गुरु कैसे थे? ओ आज ये गुरु बहुत अच्छे थे, वेरी नाइस ह्यूमन, वेरी लविंगली, वेरी केयरिंग, तो बहुत अच्छे थे, बहुत डिसिप्लिन था। तो हम लोग तो भाई जैसे गुरु शिष्य कम थे, भाई भाई भी ज़्यादा, एज में डिफरेंस भी ज़्यादा वैसे था नहीं, ज़्यादा था। हाँ हाँ, पर ये बताइए कि जो उनका स्टाइल है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम केलू बाबू स्टाइल और ना? वो केलू बाबू के स्टाइल से डिफरेंस नहीं था, वो तो केलू बाबू का स्टूडेंट थे ना। एक्चुअली वो तो मर्दल प्लेयर थे। हाँ, बहुत अच्छा मर्दल प्लेयर थे। संजू नानी के साथ बहुत सारा शो किया अब्रॉड में। तो गुरुजी ये बताइए कि जब आप उस टाइम पे जो आप डांस सीखते थे और अब जो आप देखते हैं आजकल के जो प्रोडक्शंस होते हैं, कितना चेंज आया है ओडिसी की टेक्निक में और जैसा ओडिसी ऑन द होल होता है? नहीं, एक्चुअली हम जो सोचते हैं कि ओडिसी का डेवलप हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। एक्चुअली जो ट्रेडिशनल जो सीखते थे हम लोग गुरु लोग से, संजीता पाणिग्राही की, कल्चर महापात्र जी से, वो लोग का जो वे ऑफ टीचिंग एंड टेक्निक द स्टाइल वेरी नेचुरल एंड वेरी माने वेरी रियलिस्टिक। तो अभी हम लोग बहुत मिलावट कर रहे हैं, जो कि ओडिसी का कॉस्ट्यूम होता है, डांस और कुछ होता है। तो मेनली दिल्ली ओडिसी जी, नाउ दिल्ली ओडिसी जी आई थिंक दे आर कीपिंग द ट्रेडिशन दिल्ली, एंड कलकत्ता भुवनेश्वर दे आर स्पॉइलिंग द ओडिसी स्टाइल एक्चुअली। हाँ, मतलब क्या ऐसा चेंज आ रहा है, मतलब क्यों? टू मच एक्सपेरिमेंट, टू मच एक्सपेरिमेंट करने से क्या होगा? तो थोड़ा एक्सपेरिमेंट करो, उनका सीमा से करो, उनका सीमा पार होकर एक्सपेरिमेंट करने से क्या होगा? तो एक्सपेरिमेंट तो गुरुजी आपने भी किया है, बिकॉज़ वी कम एंड टॉक अबाउट योर कोरियोग्राफी। आपने रुद्राक्ष फाउंडेशन एस्टैब्लिश किया था 2000 में, वो भी एक स्टोरी है व्हिच वी टॉक अबाउट सम टाइम, बट यू आर रिनाउंड फॉर योर पुरुषम, इंट्रोड्यूसिंग द पुरुषम। आपका जो कंट्रीब्यूशन है ओडिसी में, दैट इज अबाउट इंट्रोड्यूसिंग द पुरुषम इन द कोरियोग्राफी। देखो देखो पुरुष अंग के बारे में बोल रहा हूँ, मैं भी हैंडसम था, हाँ ग्लैमरियस भी था, तो उस टाइम पर लड़के लोग को कोई चांस नहीं था डांस करने के लिए स्टेज पर। मेरा भीतर भी था मैं एक डांसर बनूँ, तो मैं भी बहुत कोशिश किया था मैं एक डांसर बनूँ। तो जब नहीं हो पाया, मेरा मन का जो दुख था, जो मैंने, मुझे पता है कि डांस एक ग्लैमरियस चीज़ होता है, लड़की हो या लड़का हो, वो सुंदर होना चाहिए, सेक्सी होना चाहिए, ग्लैमरियस होना चाहिए। इट्स नॉट लाइक मूवी, मूवी इज डिफरेंट, अंडरस्टैंड? सो जो लड़का लोग डांस करना चाहिए वो सब हैंडसम होना चाहिए। मूवी में तो कैरेक्टर के हिसाब से चलता है, तो आपको एक सुंदर सा बॉडी चाहिए, ग्लैमरियस, मेल हो या फीमेल हो। तो मैं सोच लिया कि जितना सारे लड़के आएंगे मेरे पास सीखने के लिए, उनका लाइफ मैं बर्बाद करने नहीं दूंगा। तो इसलिए जितना सारे लड़का आया, मैंने बोला तुम लोग सब डांसर बनो, गुरु मत बनो। अच्छा, पहले जो लड़के डांस सीखते थे उनका वो गुरु बन जाते थे, मतलब वो सिखाते थे, पहले डांस नहीं करते थे? नहीं। अच्छा, फिर आपने कैसे इसमें चालू किया, फॉर इंडिया? मैं ओडिशा डांस अकेडमी में जितना सारे लड़के लोग आए थे, मैं सारे लोग को प्रॉपरली ट्रेनिंग किया, फिर उनको स्टेज दिया, तो लोग का डांस सब लोग अप्रिशिएट किया। तो फिर इसमें कुछ व्हाट्स कॉल रिवाइवल जो होता है ना, क्योंकि मेकअप कॉस्ट्यूम सब लड़की के जैसे था। तो हमारा एक सेमिनार हुआ था दिल्ली संगीत नाट्य अकेडमी, सेंट्रल संगीत नाट्य अकेडमी न्यू दिल्ली, जयंत कस्तूर जी आए के मेल डांसर के ऊपर कुछ वर्कशॉप किया। उससे पहले मैं मेल डांसर का बॉडी के ऊपर एक डांस भी कोरियोग्राफी किया था, तो वो सब देखे, वो बोले कि देखो ये सब ठीक है, मगर कॉस्ट्यूम और मेकअप में चेंज करना चाहिए। एक लड़का को शंकराभरण पहले भी अच्छा नहीं लगेगा, तिशाबेरी पहले भी अच्छा नहीं लगेगा, उनके लिए रिपोर्टर बनना ना चाहिए।
तो इस ऐसे मैंने देखा कि मैं सोचा उसके बारे में बहुत सारा, फिर एक्सपेरिमेंट किया तो वो लोग के ऊपर ही, उस लड़के के लोग ऊपर में मैं डिफरेंट आइटम्स बनाया, जो कि एक कंटेम्प्रेरी होता है, जैसे कि मंगलाचरण से मुख्य तक ऐसे भी बनाया पूरा फुल रिपोर्टरी। डांस नॉट बिलोंग्स टू एनी जेंडर, अंडरस्टैंड, उसको ध्यान में रखना। तो कभी कभी हमारे लड़के लोग को भी लड़की का रोल करना पड़ता है, जैसे कि सपोज गीता गोविंद कर रहे हैं तो सखी है कर रहे हैं, कैसी मथन उधर, ये लड़के को कम्प्लीटली लड़की को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि ये अभिनय होता है। तो तुमको राधा का रोल कर रहे हैं, मतलब तुम राधा बनना ही चाहिए। तो इसी तरह एक तुमको कम्प्लीट लड़की बनना चाहिए। जब तुम राम का रोल कर रहे हैं कि और कृष्ण का रोल कर रहे हैं कि कर्ण का रोल कर रहे हैं, तुम कम्प्लीटली यू हैव टू चेंज योर कैरेक्टर, अंडरस्टैंड। तो कि हनुमान होता है कि जो मस्कुलाइन होता है तो मस्कुलाइन करना चाहिए, वही ही टेक्निक का डिफरेंट है। तो और कुछ जो टेक्निक हम लोग 1 से 10 से 100 त्रिभंग से करते हैं, टेक्निक सबके लिए, बट जैसे मुद्राएं जो होती हैं, जो लड़की अगर ये करेगी तो आप लड़कों को ये देते हैं, तो उस वो थोड़ा आप चेंज यहाँ पे आप करते हैं ना? हाँ, बहुत जो कि जो जो हम प्योर डांस में डालते हैं, वो सारा टेक्निक जो होता है, यू कोरियोग्राफ वेरी नाउन आइटम्स लाइक ताल माधुर्य, ताल तरंग एंड ऑल ऑफ दीस, व्हिच आर पुरुष, मतलब फूट फूट के जो है। हाँ, देखो मंदिर में जो भी जहाँ भी जाओ मंदिर में ज़्यादातर तुमको मिलेगा लड़की फीमेल डांसर्स का स्कल्पचर मिलेगा। मेल डांसर का जो स्कल्पचर है बहुत कम है, और इसमें भंगी भी बहुत कम है। कोई मंजीरा बजा रहे हैं, कोई मर्दड़ा बजा रहे हैं, बस ऐसे ही कुछ, कोई चौका में है, कोई लड़के लोग का पोस्चर बहुत कम है मंदिर में। तो पट्टचित्र में तुमको भगवान कृष्ण का जो उसका जो उनके जो बॉडी का लैंग्वेज है, वो पट्ट पेंटिंग में जो मिलता है लड़के का, जो वो अच्छा लगता है। तो हमको जो कैरेक्टर होता है ना, जो टेक्निक जो मैंने जो पल्लवी में जो पल्लवी डांस लड़के लोग करते हैं, जो चिबू का मंडन है उसको मैं छोड़ दिया, क्योंकि लड़का को चिबू का मंडन करने से अच्छा नहीं लगता। मैं ऐसे सारा कुछ कुछ जो मुद्रा है उनको बात दिया। अच्छा। तो जैसे कि एक लड़के के बॉडी को अच्छा लगेगा, ऐसे ही पोस्चर मैंने दिया। हाँ 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 फेमिनाइन को भी, बहुत स्टाइल को भी, मगर मैं स्पेशली ध्यान देता हूँ, क्योंकि ये लड़का स्टाइल के थोड़ा एस्टेब्लिश हो और ज़्यादा एस्टेब्लिश। आपके जो आइडियाज हैं कोरियोग्राफीज के, आपके बहुत आइकॉनिक कोरियोग्राफीज हैं, कर्ण है एंड एज़ सेड ताल माधुर्य, कहाँ से आप, क्या उनके इंस्पिरेशन हैं? क्योंकि आप महाभारत पर आपने बहुत काम किया है, बहुत सारी कोरियोग्राफीज, वेयर डज द इंस्पिरेशन कम्स फ्रॉम? देखो ये एक स्ट्रीम होता है, इंस्पिरेशन नहीं होता है, जो कोरियोग्राफी का सेंस होता है। जब मैंने एक मैं जब स्टूडेंट था तो मैंने थर एक सेमिनार गया था संजू नानी के देखने के लिए। संजू नानी ने बोले कि जिस आर्टिस्ट का भीतर क्रिएटिविटी नहीं है वो कलाकार नहीं होता है। तो हमको ये बहुत शौक हो गया, तो हम लोग तो स्टूडेंट थे, तो हम बोले हमारे भीतर तो कुछ भी क्रिएटिविटी नहीं है, तो हम लोग तो कलाकार कभी नहीं बन पाएंगे। तो मन में बहुत दुख लगा, तो मैंने फिर सोचा ये गुरुजी कहाँ से ला के वो सब पल्लवी बनाते हैं, कहाँ से कैसे करते। तो फिर ये भीतर कुछ फाइटिंग चला मेरा, तो उसी उसी से कुछ शुरुआत हुआ।
तो मैंने सोचा कि कहाँ से ये ओंग जो बॉडी लाते हैं गुरुजी, इतना अच्छा अच्छा आइटम बनाते हैं, पल्लवी हो कि अभिनय हो जो भी हो, जो पल्लवी में जो इतना है स्कल्पचर, जैसे जो पोज जो होता है ना, तो गुरुजी कैसे कहाँ से लाते हैं? तो हमारे दिमाग में तो कुछ भी नहीं, वो कैसे बनाते हैं? तो ये एक स्ट्रीम होता है, फाउंटेन होता है, ये अपने आप आता है। एक एक दिन तुम जितना भी कोशिश करो कोरियोग्राफ के लिए, वो कुछ नहीं होगा उस दिन। एक एक दिन एक तुम कोरियोग्राफ में बस बैठ जाओ, वो चलेगा मन धड़ 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 धड़। एक जैसे कि एक पोएट होता है, जिसको पोएट्री लिखने में एक टाइम होता है, जो एक स्ट्रीम होता है, ये फ्लो आता है, वो ऐसे ऐसी ऑटोमेटिक चीज़ है, उसको फोर्सफुली तुम नहीं कर सकते हो। बट हाउ फार डू थिंक जो आपके जितने गुरु थे गंगा सर फॉर मी, कितना उनके कोरियोग्राफिक सेंस ने आपके कोरियोग्राफी सेंस को किया है शेप अप? मतलब ना देखो, जो जब हम गुरु से सीखते हैं तो हम तो गुरु को लेके ही चले हैं, तो गुरु जो रास्ता तो गुरु देखा है ना, तो गुरु जो रास्ता देखा है उस रास्ता में तो हमको चलना पड़ेगा। मगर कोरियोग्राफी एक चीज़ ऐसा होता है, जब मैं कोरियोग्राफी शुरू किया तो मैंने सोचा कि यहाँ से ले आओ, साबरी पल्लवी से, शंकरावरण पल्लवी से, बिलाहारी से, किरीबैंड से। फिर देखा कि जब मैंने वहाँ से ले आऊँ कि मैं कोरियोग्राफी करूँगा, लोगों को दिखाई देगा तो वो शंकरावरण चल रहे हैं, ये वो बिलाहारी चल रहे, तो मैं कहाँ से आऊँगा? फिर मैं अपना जो मेरा अपना जो होता है, जो मेरा जो अपना क्या होता है, कोई नहीं बोलेगा ये बिच्ची का कोरियोग्राफी है, क्योंकि मैं तो लाया चोरा चुरा के सारा। तो मैंने सोचा कि मेरा कोरियोग्राफी मेरा जैसे देखना चाहिए, लोग बोलेंगे ये कोरियोग्राफ बाय मी। तो मैं इसके बारे में बहुत सोचा, सोच के सब जो जो अंग होता है ना, जो बॉडी का मोमेंट होता है ना, मैं अपने आप डाला, तो थोड़ा सा हटके, जो कोई नहीं बोलेंगे ये गुरुजी से लाया कि गंगाशार से लाया कि संजूनानी से लाया, मगर मैं लेता, जो कोई पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि मैं लेता है। हाँ, क्योंकि वो मेरा गुरु लोग है, तो उनके रास्ता कैसे छोड़ सकते हो? बट गुरुजी, कमिंग बैक टू द पॉइंट कि ओडिसी में अब जो गोटीपुआ ग्रुप्स होते हैं, हाँ, वो अब ज्यादा स्टाइलाइज कर रहे हैं, और ओडिसी वाले बहुत ज्यादा फोकेश और ये गीति नाट्य और क्या 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 जो गोटीपुआ ट्रूप्स हैं, यू नो, वो अब ओडिसी मतलब वो स्टाइलाइज होते जा रहे हैं, यू नो, वो जो उनका वो था ट्रेडिशनल फ्लेवर वो भूल के वो क्लासिफाइज हो रहा है, जो ओडिसी करते हैं वो अब वापस गीति नाट्य कर रहे हैं और फोक एलिमेंट ला रहे हैं और ये वो, तो इस पर आप क्या कमेंट करना चाहोगे? क्या करना है, तो अपना अपने चॉइस होता है ना, तो आपको लगता है ये ऐसा ट्रेंड हो रहा है अभी ऐसा? ऐसे तो बहुत चल रहा है, मैं तो बोला पहले ना, बोला कि दिल्ली का डांस, जो भी डांस करते हैं दिल्ली का डांसर, अच्छा हो वा बुरा हो, कि जो भी हो वो अच्छा ही ट्रेडिशन रखते हो, जो रंजना दीदी बोलो कि माधवी दीदी बोलो कि गीता अपा बोलो, वो तो कुछ ओडिया अभिनय करते, कुछ पल्लवी करते, तो कुछ ट्रेडिशनल करते हमेशा ये लोग, मगर हमारे यहाँ तो ट्रेडिशन ख़त्म हो गया बिल्कुल, ओडिशा में और कलकत्ता में, दोनों जगह में बिल्कुल ट्रेडिशन ख़त्म हो गया। अभी एक्सपेरिमेंट के ज़्यादा बहुत एक्सपेरिमेंट होता है, बस जो कुछ भी डाल देते, सिर्फ ओडिशी का कॉस्ट्यूम पहनाते हैं बस, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। बट आपको क्या लगता है जो आज की जनरेशन है, जो आपके आपके तो दो तीन जनरेशन के स्टूडेंट्स को आपने सिखा दिया है, लिंगराज प्रधान जी, अमूल्य, रमेश सर एंड ऑल ऑफ दीज, फिर हम लोग आते हैं, फिर हमारे पे हुए हैं, तो आपको क्या लगता है जो कमिटमेंट है इन डांसर्स, जो जनरेशन बाय जनरेशन जिनको आप सिखा चुके हैं, क्या है, आपको क्या लगता है, विल दे टेक इट फॉरवर्ड? कितना कमिटमेंट है आज की? श्योर 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 दे विल टेक इट फॉरवर्ड। मुझे पता है कि हमारे जितना स्टूडेंट में सिखाया, ये स्टूडेंट का भीतर ये एक एक केलुआ वो जरूर बनेंगे, उनका भीतर ज्ञान है, मैं देखा उनका जो स्टूडेंट का भीतर झांक के देखा कि ये स्टूडेंट ऐसा ही बन सकता है फ्यूचर में, वो और हजार केलुआ वो पैदा हो जाएंगे, तो डोंट वरी, सो दे विल कीप द ट्रेडिशन, या दे विल कंटिन्यू।
दे विल, नथिंग टू वरी.